अगले साल यानी 2019 में संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेला लगने जा रहा है। ये शाही स्नान 14 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें देश विदेशों से लाखों लोग शामिल होंगे। लेकिन खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी ने सबको हिला कर रख दिया। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि कुंभ मेले पर आतंकी साया मंडरा रहा है। देखा जाए तो बीते सितंबर में कानपुर से हिजबुल आतंकी कमरुज़्ज़ुमा हो या ISI के लिए जासूसी और फंडिंग से जुड़े रमेश शाह जैसे हैंडलर, बीते एक साल में UPATS ने प्रदेश में आतंकी संगठनों से जुड़े 42 संदिग्धों की गिरफ्तारियां की हैं। इनसे ही पूछताछ के बाद ये बात साफ हो चली है कि लश्कर हो, हिजबुल मुजाहिदीन या फिर दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन IS, ये सभी आतंकी संगठन उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश और बड़े हमले की फिराक में है। ये बहुत ज्यादा मैं खुलासा तो नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे संगठन है जिनसे भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा है, आप भी जानते हैं, और हम लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं। निरंतर हमारे पास इनपुट्स मिलते रहते हैं, उन पर निगाह रखे हैं, कार्रवाई भी होती है, कई पकड़े भी गए हैं जैसे आपने खुद ही बताया, और आगे भी जो कुंभ के इन द रन अप टू द कुंभ, ये आवश्यक होगा कि हमारी निगाह और पैनी हो और ऐसे तत्व या ऐसे लोग जो राज्य विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं उनको, या देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हो सकते हैं या विध्वंसक कार्रवाई कर सकते हैं, उन पर पैनी निगाह रख के पूर्व में ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको उनके प्रयासों को विफल कर दिया। जाहिर है गणेश चतुर्थी के मौके पर कानपुर से कमरुज़्ज़ुमा की गिरफ्तारी की गई थी, जो कानपुर के गणेश मंदिर पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था, जिसके बाद कमरुज़्ज़ुमा के इनपुट पर असम और मेघालय से लश्कर के 7 और मददगार दबोचे गए। कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर में बैठे लश्कर के आकाओं ने उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक पर्व को निशाना बनाने और ज्यादा से ज्यादा बेगुनाहों की जिंदगी जीने का नापाक प्लान बनाया था, जिसके लिए 2 AK-47 सुसाइड बेल्ट जैसे खतरनाक हथियार कानपुर के आतंकी हमले में पहुंचाए जाने वाले थे। अगर बात 2017 में UP में हुई आतंकी और ISI एजेंट की पर्व कार्रवाई की करे, तो फरवरी 2017 में UPATS ने लखनऊ में ISIS के आतंकी सैफुल्ला को मार गिराया। सैफुल्ला मॉड्यूल के 3 अन्य मददगार कानपुर से दबोचे गए। कानपुर और बिजनौर मॉड्यूल के 7 आरोपियों को UPATS ने कानपुर और बिजनौर से गिरफ्तार किया। ISI के लिए जासूसी करने वाले 3 जासूस भी दबोचे गए। वहीं अगर बात 2018 की करें, तो UPATS ने 5 फरवरी 2018 को गाजीपुर से ISIS के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जिसमें लश्कर ए तैयबा का आतंकी शेख अली अकबर शामिल था। 24 जुलाई को नोएडा से ATS ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन JMV के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। 13 सितंबर 2018 को गणेश चतुर्थी के मौके पर हिजबुल का आतंकी कमरुज़्ज़ुमा दबोचा गया। ISI एजेंटों की बात करें, तो 22 मई 2018 को UPATS ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रमेश कानियाल को गिरफ्तार किया। 18 सितंबर को नोएडा से ISI के लिए जासूसी कर रहा BSF सिपाही अच्युतानंद मिश्रा पकड़ा गया। 18 अक्टूबर 2018 को ISI के हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी कर रहा DRDO का वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल पकड़ा गया। वहीं मार्च 2018 में टेरर फंडिंग में UPATS ने गोरखपुर, प्रतापगढ़ और लखनऊ से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं जून 2018 में पुणे से UPATS ने रमेश शाह को गिरफ्तार किया। रमेश शाह के इनपुट के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 6 अन्य संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। बीते 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में UPATS के द्वारा की गई कार्रवाई के मद्देनजर अफसर भी कहते हैं कि कुंभ मेले पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। निश्चित तौर पे जब इतना बड़ा आयोजन कुंभ हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ऐसा आयोजन आतंकवादियों को निशाने पे होता है, और इसलिए हमारा समन्वय, जितनी भी हमारी गुप्तचर एजेंसीज हैं भारत सरकार की, उनसे हमारा समन्वय ATS कर रही है। आप जानते हैं कि ATS हमारी नोडल संस्था है इस बात के लिए, तो ATS का भी पूरा डिप्लॉयमेंट होगा वहाँ पे, साथ ही साथ भारत सरकार की गुप्तचर एजेंसीज भी वहाँ मौजूद रहेंगी, जिनके साथ हमारा समन्वय रहेगा, और जो भी इनपुट्स हमारे पास आते हैं, एक्शनेबल या स्पेसिफिक इनपुट्स आते हैं, उस पर कार्रवाई तो होगी ही होगी, लेकिन नॉन स्पेसिफिक इनपुट्स पर भी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर देश का सबसे बड़ा धार्मिक महामेला होने जा रहा है। आगामी जनवरी में प्रयागराज में कुंभ के मौके पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। भीड़ के इस रेले में आतंकियों के लिए अपनी साजिश को अंजाम देना जितना आसान है, उतना ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस लाखों की श्रद्धालुओं की भीड़ में आतंकी को दबोचना मुश्किल होगा। कुंभ पर मंडरा रहा आतंक का काला साया, तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का अभेद्य बनाया जाने वाला चक्रव्यूह, अब इस सुरक्षा के चक्रव्यूह में
आतंकी फंसते हैं या फिर आतंकी चकमा देकर अपनी साजिशों को अंजाम दे देंगे, एक बड़ा सवाल बरकरार है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।